आइए बात करते हैं डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा बाय द कंपनी, तीसरा बाय द थर्ड पार्टीज, चौथा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाँचवा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और छठवा पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 254। कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का जिक्र आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर ही कंपनी के पहले डायरेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं और तब तक अपने पद पर होते हैं जब तक कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग में पक्के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। हालांकि इन्हें डायरेक्टर्स के तौर पर एनुअल जनरल मीटिंग में रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू बाय द कंपनी सेक्शन 255-257 के मुताबिक। अब आगे चलकर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के द्वारा की जाती है। इस तरह अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स में से दो तिहाई डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा बदले जाने वाले होते हैं। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इस तरह के डायरेक्टर को रिटायर करने की अवधि का जिक्र किया जा सकता है। अब है पॉइंट नंबर थ्री बाय थर्ड पार्टीज सेक्शन 255। कुछ खास हालातों में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जिन्होंने कंपनी को लोन्स दिया हो, ऐसे लोगों को अपना नॉमिनीज चुनकर डायरेक्टर्स के तौर पर बोर्ड में शामिल करने का अधिकार देती है। लेकिन इस तरह भेजे गए डायरेक्टर्स की संख्या कंपनी के कुल डायरेक्टर्स की संख्या के एक तिहाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा बदले भी नहीं जा सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर फोर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ विशेष परिस्थितियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकता है, जैसे कि हमें सेक्शन 260 में एडिशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का जिक्र मिलता है, और कैजुअल वैकेंसी के दौरान यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का जिक्र हमें सेक्शन 262 में मिलता है, और अल्टरनेट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का जिक्र हमें सेक्शन 313 में मिलता है। अब है पॉइंट नंबर फाइव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 408। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको दे दें, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल को नया गवर्नर बनाया जाएगा। 4 सितंबर को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं और आरबीआई में अब रघुराम राजन की जगह लेंगे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। आलोक प्रियदर्शी जी न्यूज रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। आलोक, और क्या जानकारी है इस खबर पर, क्या डिटेल्स? सरकार ने 52 साल के जो उर्जित पटेल हैं उनको आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। डिप्टी गवर्नर पहले थे वो, और रघुराम राजन जो भी गवर्नर है उनके जाने के बाद 4 सितंबर के बाद उर्जित पटेल पदभार संभालेंगे। और आखिरी जो दो नाम चल रहे थे उसमें सुबीर गोकर्ण और उर्जित पटेल काफी आगे चल रहे थे, लेकिन देख सकते हैं कि एक एनर्जेटिक, एक यंग आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल का चुनाव किया गया है। और आने वाले दिनों में जो आरबीआई के पास चुनौतियां हैं उसमें देखना होगा कि उर्जित पटेल कितना खड़े उतरते हैं, लेकिन सरकार ने अपने हिसाब से जो अनुभव है और यंग एनर्जी है उसको ध्यान में रखते हुए उर्जित पटेल का नाम का चुनाव किया है। और प्रधानमंत्री के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कई नाम गए हुए थे, उसमें उर्जित पटेल का नाम था और प्रधानमंत्री की तरफ से इस नाम का फाइनलाइज किया जाना था। और आलोक, यही बताए कि जो फाइनलाइज किया गया नाम, मुख्य वजह उसकी क्या रही? अगर हम कहें कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो उनका किस फील्ड में उनकी बहुत सबसे ज्यादा पकड़ मानी जाती है, जिसकी बिना पर ये फैसला लिया गया, आधार उसका क्या बताया जा रहा है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उर्जित पटेल की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उनका मेन स्ट्रेंथ है वो फॉरेन में भी काफी दिनों तक रहे हैं और आरबीआई में भी काफी दिनों से डिप्टी गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई के तमाम जो कार्यकलाप होता है और तमाम जो चीजें होती हैं उससे काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। और जाहिर सी बात है, सरकार ने जो नाम चुनाव करते वक्त इन सभी चीजों का ध्यान में रखा है और उर्जित पटेल जो है आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अगले 3 साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
इस तरह की अपॉइंटमेंट के पीछे सरकार का मकसद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से माइनॉरिटी शेयर होल्डर या पब्लिक दोनों के हितों की रक्षा करना हो सकता है। इस तरह अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स 3 साल से पहले कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं, ना तो वो रोटेशन से हटते हैं और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें हटा सकता है, और ऐसे डायरेक्टर्स को क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब है पॉइंट नंबर 6, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कंपनी के कुल डायरेक्टर्स की संख्या का 3/5 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये सिस्टम क्यूमुलेटिव वोटिंग या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के बेस्ड पर किया जा सकता है और ये 3 साल में एक बार होना चाहिए, और इस सिस्टम के चलते माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर और भरोसा प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स को निम्नलिखित तौर से हटाया जा सकता है। नंबर 1, शेयर होल्डर्स सेक्शन 284 के मुताबिक। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को कार्य अवधि से पहले रिमूव कर सकते हैं, हालांकि ये बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है। 1, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 408 के तहत अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स। 2, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स जिन्हें 1 अप्रैल 1952 में आजीवन काल के लिए अपॉइंट किया गया हो। 3, ऐसी कंपनी जिसमें 2/3 डायरेक्टर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल के द्वारा हटाने का पहले से ही नियम बना हुआ हो। अब है पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 388B से सेक्शन 388E तक। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी लॉ बोर्ड की सिफारिश पर चाहे तो डायरेक्टर्स को हटा सकती है। अब है पॉइंट नंबर 3, रिमूवल बाय कंपनी लॉ बोर्ड सेक्शन 402। अगर कंपनी के ऑपरेशन या फिर मिसमैनेजमेंट की रोकथाम के लिए किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर अन्य किसी डायरेक्टर को पद से हटाना ही एकमात्र रास्ता बच जाए, तब कंपनी लॉ बोर्ड उस डायरेक्टर को अपने पद से हटा सकती है। इस तरह हटा गया डायरेक्टर अगले 5 वर्षों तक किसी अन्य कंपनी में रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, और ना ही वो डायरेक्टर अपने पद के छीने जाने पर कंपनी के खिलाफ कोई केस करने का अधिकार रखता है।